आखिर क्या हुआ कि रश्मि देसाई को सोशल मीडिया पर इतनी ट्रोलिंग मिल रही है। कुछ वक्त पहले मैंने आपको एक वीडियो बताया जहां पर रश्मि देसाई को जनता ट्रोल कर रही है उनके एक रीसेंट इंटरव्यू के दौरान, लेकिन एक्चुअल में ये क्या पूरा माजरा है, चलिए अब आपको डिटेल में बताती हूँ और पॉइंट वाइज जो है समझाती हूँ। वेल हेलो गाइज एंड वेलकम टू सिने स्पीक्स, मैं हूँ ज्योति नाहक। अगर आपने अब तक मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो नहीं किया है और चाहते हैं तो कर सकते हैं @ज्योति नाहक7 पर फॉलो। देखिये आप सबको बता दें कि रश्मि देसाई रिसेंटली अपने सॉन्ग परवाह को प्रमोट कर रही है। इन प्रमोशन के दौरान कई सारे इंटरव्यूज वो दे रही है बैक टू बैक और इन इंटरव्यूज में कई सारे सवाल जवाब का सिलसिला जो है वो चल रहा है। जी हाँ, उमर रियाज को लेकर सवाल जब पूछा गया रश्मि से, सो वहां पर रश्मि देसाई ने उमर की पर्सनल लाइफ को लेकर कुछ कहा, जिसके बाद उमर रियाज के जो फैंस हैं वो भड़क गए हैं कि आखिर रश्मि का क्या हक बनता है कि वो उमर की पर्सनल लाइफ पर बोले। अब देखिए, ये लोग बहुत अच्छे फ्रेंड्स हैं और रश्मि ने कई बार कहा है, उमर ने कई बार कहा है दैट वी आर फ्रेंड्स लाइक फैमिली। सो फिर इतनी बड़ी कोई बात नहीं थी जिसका उमर फैंस ने इशू बना दिया है और उमर को खुद भी ये बात पसंद नहीं आ रही है। लेकिन मैं आपको चलिए बताती हूँ, उमर के बारे में बात करते हुए रश्मि कहती है, उमर माइट बी हैविंग समवन इन हिज लाइफ एंड ही इज वेरी प्राइवेट पर्सन, वी रिस्पेक्ट ईच अदर्स बाउंड्रीज, आई अंडरस्टैंड पीपल लव टू सी मी विद उमर एंड आई रिस्पेक्ट दैट, वी आर जस्ट फ्रेंड्स एंड द काइंड ऑफ बॉन्ड वी हैव इज वेयर वी कीप फाइटिंग अ लॉट एंड हैविंग डिसएग्रीमेंट्स, दो वी फाइट द फ्रेंडशिप इज ऑलवेज द सेम। जी हाँ, यानी कि मेरा और उमर का जो रिश्ता है वो ऐसा है कि हम लगातार लड़ते रहते हैं, हमारे बीच में दोस्ती है, हमारे बीच में एक बहुत अच्छी बॉन्डिंग है और फ्रेंडशिप हमेशा रहेगी हमारे बीच में। अब इन सारी चीजों को सुनने के बाद उमर के फैंस को काफी गुस्सा आया कि उमर की लाइफ में कोई है नहीं है, या उमर आपसे लड़ते हैं नहीं लड़ते हैं, आपका क्या हक बनता है कि आप उनकी प्राइवेट लाइफ के बारे में बात करें। जिसके बाद फैंस ने बवाल मचा दिया और अननेसेसरी रश्मि को ट्रोल कर रहे हैं। देखिए, आपको भी ये समझने की जरूरत है जो उमर के फैंस हैं कि रश्मि देसाई ने बहुत एक बेसिक बात बोली थी कि मैं और उमर एक दूसरे के लाइफ में सिर्फ फ्रेंड्स हैं और ज्यादा कुछ नहीं है, लेकिन इस बात का इतना बवंडर मच गया है और इसीलिए सोशल मीडिया पर रश्मि देसाई की ट्रोलिंग हो रही है, क्योंकि बहुत लोग इस बारे में अब तक समझ नहीं पा रहे हैं कि आखिर माजरा क्या है। ऐसे में मैं आपको बता दूं, देखिए यहाँ पर लाइन से कई सारे ऐसे ट्वीट्स हैं जहां पर हर कोई रश्मि को ट्रोल कर रहा है। लोग लिख रहे हैं, उमर के जो फैंस हैं वो लिख रहे हैं, हु द हेल इज शी टू कमेंट ऑन उमर्स पर्सनल लाइफ व्हेन उमर हिमसेल्फ सेड ही इज सिंगल, लाइक व्हाई इज शी ट्राइंग टू प्रूव, व्हाट इज शी ट्राइंग टू प्रूव। पहले उमर ने कहा आपने अपने नाम के साथ यूज करके शिपिंग के नाम से हाइप लो और फिर अपने पीआर के थ्रू ब्लेम गेम स्टार्ट कर दो, सिंपथीज लो रश्मि देसाई, व्हाट इज दिस एंड दैट। ठीक है, इस तरीके के कई सारे पोस्ट्स डिग्रेडिंग रश्मि सामने आ रहे हैं, जो कि बिल्कुल भी अच्छी चीज नहीं है। वी डोंट सपोर्ट इट, आई डोंट थिंक सो एनीवन शुड सपोर्ट इट। वेल, आपको इस पर क्या है कहना बताइएगा जरूर। एंड रश्मि देसाई ने बहुत ही कैजुअल फ्रेज कहा था, उसका इतना बवंडर बनाना इज नॉट राइट। आपको इस पर क्या है कहना बताइएगा जरूर।